इंडस विजन चैनल होता था, तो मेरे पास एक लड़की आई, उस पर वो लड़की भी बहुत छोटी थी और खैर अभी भी छोटी है, छोटी ही दिखती है। तो उस पर वो लड़की बहुत छोटी थी और एक हाथ में इस तरीके कॉलेज की फाइल थी, हाँ ऐसे करती हूँ। तो मैंने देखा, मैंने कहा चले आ जाए, आपका ऑडिशन है, आ जाए मेकअप रूम में। हम ऑडिशन के लिए गए, एक आदमी सामने आ गया ना मेरे, रुक जाए ऐसे, लिटरली ऐसे ऐसे रुक जाए। मैं डर गई, सिंका आप ऑडिशन देने आई हैं? अब हमें कॉलेज में पता चला था कि ऑडिशन हो रहे हैं इंडस पे, तो हमने कहा हाँ जी ऑडिशन देने हैं, आप घूम के दिखाएं। लिटरली इसने मेरे साथ यही किया था और मैं घूम गई। मैंने कहा अजीब। और आज हमारे साथ है शाइस्ता लोदी। तो हम बहुत मुश्किल से मेकअप करवाती हैं क्योंकि बहुत सोच समझ के मेकअप करना पड़ता है। सो आज हम इनका मेकअप करेंगे। मैं फहद मुस्तफा जैसी लग रही हूं। खुद से क्या लगा के आई हूं? अच्छा, मेरा बीबी ब्लॉक जो मैं लगाती हूँ, ओक, ये मेरा शेड है। और बीबी ब्लॉक के साथ मैंने सनब्लॉक मिलाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अच्छी तरह मेरी इन्वायरमेंट और मेरे दरमियान जो शील्ड है वो अच्छी रहे। बस ये लगा हम गोल्डन पर्ल सीरम लगाएंगे एज अ प्राइमर, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। अच्छा बाय बाय, चार ड्रॉप ठीक है, आप ये लगा। ओके, हाँ लेकिन इतनी अच्छी स्मेल है इसकी, अरे फ्रेशनेस का एहसास होता है। हाँ आप सुन सकते हैं, फ्रेशनेस का एहसास होता है, इसलिए मैं करके मंगवा सकते हैं। अच्छा मेकअप प्राइमर यूज क्यों करते हैं वैसे? आवाज स्किन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाए और आपकी स्किन के अंदर मेकअप ना जाए, और जब मेकअप नहीं जाएगा तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी, आपकी स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे। तो ये मेकअप प्राइमर, सो मेकअप प्राइमर यूज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेकअप शुरू करने से पहले हमने प्राइमर लगा दिया है। हम फाउंडेशन का सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे क्योंकि लोगों को थोड़ा सा ब्राइट चाहिए होता है। तो हम किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं? हमारे पास 6 शेड है फाउंडेशन के, हाई डेफिनेशन एक्सपोज के। तो मैंने नंबर 9 लिया है, थोड़ा सा एक पम्प 3 का मिलाएंगे, ठीक है? ओके, मिक्स करके कर रहे हो? मिक्स करके करेंगे, ठीक है। ये इतनी फाउंडेशन मेरे मुंह में लगेगी? अच्छा इतनी लगेगी नहीं, अभी आप देखते जाए। मेक श्योर करें कि जब आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन करें तो आप इसको नेक पे भी लगा लो। मैंने जितने दिन भी किया जी, तो इतनी बेस मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगाई जितनी इस आदमी ने आज मेरे लगाई। मेक श्योर करें जब आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो आंखों से थोड़ा दूर रख के करें, ना फासला रखें, जो आपके हल्का सा जो डार्क सर्कल है वो नजर आना चाहिए। साथ में वाजिद ब्रशेज के भी बताते रहे ना, ये जो ब्रश है एक दूसरा फ्लैट भी होता है फाउंडेशन, हाँ। उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा इसके जो ब्रसल होते हैं वो ज्यादा अच्छा से ब्लेंड कर देते हैं। अगर आप कंसील करना चाहें तो आप कंसीलर से कंसील भी कर सकते हैं, हमारी मैजिक वॉन्ड मौजूद है। बिल्कुल, मेक श्योर करें जब भी आप डार्क सर्कल कवर करते हैं तो आंख के नीचे इस लाइन को कवर करना है हमें, ये लाइन कवर करनी है। मेक श्योर करें ये लाइन कवर हो, बस बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अंदर हमने फाउंडेशन को थोड़ा सा डार्क लगाया तो हम पाउडर लाइट लगाएंगे। जब हम पाउडर लाइट लगाएंगे तो बीच की एक नई शेड क्रिएट हो जाएगी। पाउडर को हमेशा टैप करके लगाएं ताकि आपको जो फाउंडेशन है वो ब्लॉक हो जाए। ओके, तो हमारी आंखों के ऊपर हल्का सा हम ब्रश आउट कर देंगे। कॉन्टोर क्या है कि इसी ब्रश को चपटा करके एक एंगल बना लें, एंगल ब्रश लाइक दिस हल्का। अच्छा ये करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत, कॉन्टोर के वक्त यूं करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत। हमने कान के सेंटर से लिप के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस। उसके बाद हमने क्या किया, इस डार्क ब्राउन को इस ब्लशर के साथ हमने ब्लेंड करना लाइक दिस ऐसे। अच्छा अच्छा, मुझे ना इंडस का जमाना याद आ रहा है, सरप्राइज सचमुच। ओके, ये मैं यहां पे यूं बैठी रहती थी और ये मुझे इतनी कोई इस आदमी ने मुझे भरम कराए थे ना, इतने भरम, क्या भरम करवाए थे अभी भरम, बैठो चुप करके जो लिपस्टिक दे दो। अच्छा अब तो मैं बड़े नखरे कर लेते हैं, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी और सिर्फ ग्लॉस दे दें। ये तो इसने मुझे बहुत कर रही है, आपने मुझे इंडस की उठा के देखो उस वक्त की वीडियोस, इतनी को खतरनाक मेकअप कर, वही फैशन था, दिस इज समथिंग वेरी गुड। हाईलाइटर ये जो ब्राउनिश टोन है ये दैट इज सेविज, गोल्डन वाली जो है वो अनटेम्ड है, और ये सिल्वर वाला जो है वो है विशेस। क्योंकि मैंने फाउंडेशन लगाया है थोड़ा सा डार्क, तो मैं ब्रॉन्जर गोल्डन वाले लगाऊंगा ताकि आपकी स्किन जरा प्यारी लगे। और तो मैंने फिंगर टिप की मदद से हल्का सा सेंटर में यहाँ पे लगाया मैंने, तो जब आप टी जोन पे आप हाईलाइटर करेंगे, हाँ। जब आपका सेंटर चमकेगा तो बाकी सारा फेस खुद ही छोटा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने मेन टिप मेन जरूर करें और लगा दें, बहुत ज्यादा लगा दें ताकि छोटा लगे। आपने क्या किया, और इट्स ऑल अबाउट एंगल। हमारे पास आई शेडो पैलेट है कहानी वॉल्यूम 1, पानी मिल जाएगा। अच्छा मैं इसको सूखा भी लगा सकता हूँ, लेकिन पानी के साथ लगाने से क्या होगा, एक इसमें और नहीं पानी क्यों, ये आप लेना रोज मिस्ट को आप थोड़ा सा यहाँ निकाल लें, निकाला है कि अपने हाथ में मेरे फेस पे कर देना था।
आप मेरा मेकअप करें, मैं आपको खूबसूरत। ये हल्का सा मैंने लगाया, ठीक है, आप देखते रहे। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम 2 से भी हम ले लेते हैं फिर, अगर आपको बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं चाहिए तो। हमने क्या किया आपने, उसके बाद उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एक ड्राई ब्रश के साथ ब्लेंड कर दिया लाइक दिस, कि कहाँ से कलर शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। कहानी का अगर वॉल्यूम 2 दिखाए ना आप मुझे, तो मैं आपको एक अपना फेवरेट शेड दिखाती हूँ जो मैं मोस्टली लगाती हूँ, दिस और दिस। मैं ये लगाती हूँ, और कभी अगर मुझे थोड़ा सा वो उसको करना हो, एनहांस करना हो आईज के एक्सप्रेशन को, तो मैं ये वाला गोल्ड शेड लगाती हूँ। हल्का बनाना है, बहुत बहुत डार्क नहीं करिएगा, हल्का बनाना। अरे भाई क्या मसला है आपके साथ, मुझे करने तो दें पहले। हाँ, सही, जब आप मुझे फिलर लगाना सिखाएंगे ना वो सिखाइएगा, मुझे मेकअप ना बताएं। नहीं मैं सिर्फ बता रही हूं, मुझे लाइट करें, ये करें, लाइट करें, लाइट करें, लाइट करें, तो आप उनसे करवा लें जो लाइट करते हैं। नहीं ये कोई तरीका नहीं, नहीं ये तरीका थोड़ी है। हो गया भाई, क्या अरे भाई बन गई वीडियो, टीजर मिल गया आप लोगों को, मिल गया। तो आईब्रो वैसे ही बनेंगे जैसे हम बनाते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया, वो तो सब मजाक था, और ये आईब्रो वही बन रही है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। जितने साल से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उतने साल से मैं भी कर रहा हूं। उसके बाद हमने क्या करना है, आईलाइनर लगाना है, तो हमने लाइनर को कंप्लीट कर लिया एज यू कैन सी, और फिंगर टिप की मदद से हमने उसको हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया। हाँ ऐसे ये मैंने अपने ड्रामे में भी यूज किया है, तो ये जितना भी आप रोल लें निकलता नहीं, उतरेगा नहीं। अब हम करेंगे लश्कारा यानी मस्कारा, ठीक है। अच्छा मेक श्योर करें कि अगर आपके पास आपके लाइट लैशेज हैं तो आपको उसको थिक कैसे दिखाना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपके लैशेस के टिप है आपको उनके ऊपर इस तरीके से लगाना है, और उसको आप ड्राई होने का वेट करें। ब्यूटीफुल, इसकी एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी है। मस्कारा आपको ऐसे नहीं करना, जब ऐसे करते हैं तो सूख जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमारा नया मस्कारा लिया था, एक सेकंड मैं तो यूं ही करती हूं। ऐसे नहीं, आप इस तरीके से करके निकालें तो सही रहता है। अगर आप ऐसे करें, जब यूं करते हैं तो अंदर हवा जाती है, हवा जाने की वजह से ड्राई हो जाता है, तो मेक श्योर करें कि आप मस्कारा ऐसे निकालना, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि मेकअप बहुत ज्यादा है, तो हम आपका ये रोज में स्प्रे पूरे फेस के ऊपर करेंगे, आंखें बंद करके। थैंक यू, तो हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, अब हम बनाने जा रहे हैं बाल। तो हम तो हम वापस आ गए, फाइनल टचअप्स करेंगे। कहानी वॉल्यूम मरून रंग है। हाँ, वॉल्यूम कौन सा है ये? वॉल्यूम 1। ओके, मरून डार्क कलर से है। ओके, डेफिनेशन देने के लिए सिर्फ लैश के सेंटर में, मैट फॉर यू, तक तक बहुत ज्यादा नहीं लगाना, तो हमने ये किया। अच्छा उसको इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं लगाना तो हम इसको इसके साथ जो हमने फाउंडेशन लगाई है, हम उसको एक सेकंड हम इसको मिक्स कर सकते हैं इसके साथ। आप लोगों को ये मेकअप का लुक कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक करिएगा, ताकि आने वाला जो आपका फीडबैक है वो आपको जरूर देखने को मिले। ये अच्छा मैं देखने को मिलेगा, ये इस कपड़ों के साथ नहीं जा रहे। नहीं नहीं प्यारे लग रहे, ईद है मतलब। अच्छा मैं समझो कुछ नया बताने लगी, मैं वाकई समझो कुछ नया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेकअप पसंद आया होगा, आप लोग जरूर ट्राई करें मेकअप, क्योंकि ब्यूटीफुल इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी। हाँ बिल्कुल लगाएं, ये लगा लें, आपको जितना लगाना है लगाएं।